कुरान कहता है वमन युशाक़िक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा बयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। जहन्नम में जाने की दो वजह बयान की, जहन्नम में जाने की दो वजह, एक पैगंबर की मुखालफत, सुन्नत को ना मानना, हदीस सही को नहीं मानना जानबूझ के, दीदा दानिस्ता पता चल गया है मैं नहीं मानता, हमारे यहाँ नहीं होता, हमने नहीं सुनी, तुम ज़्यादा बड़े अल्लामा हो, ठीक है। और एक वजह यह है हदीस को मान लेता है मगर सबीलुल मोमिनीन को नहीं मानता, मोमिनीन के रस्तों को नहीं मानता। जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक़्त मोमिन कौन थे? फरमाया मोमिनीन के रस्ते को ना माने, अपनी मर्दी का रास्ता बनाए, नुवल्ली ही मा तबल्ला, आज ढील मिलेगी तो पूरा मुल्क बंद कर दे कोई बात नहीं, आज ढील मिलेगी, लेकिन नुस्ली ही जहन्नम बसात मसीरा, जब तू मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। यह सबीलुल मोमिनीन सहाबा का रास्ता छोड़ने का नतीजा है। और जो इख्तियार कर ले, फरमाया वस्साबिकून अव्वलून मिन अल-मुहाजिरीन वल-अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरज़ुअन, पैरवी करो सहाबा की शरह शदर के साथ, हुस्न सलूक के साथ, मैं उनसे भी राजी और मैं तुमसे भी राजी।